वैष्णवों के अधिराज हैं, अनंत देव हैं, ईश्वर हैं, महीधर शेष हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य के जो कुछ भी क्यों ना हो तो भी मेरे लिए तो उनके ही चरण परम धन हैं, वे ही मेरे हृदय में सदा निवास करें। सब वैष्णवों के स्थिर चरणों में मेरी यही मनोकामना है कि श्री नित्यानंद मेरे प्रभु हों, श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण हैं, उनके युगल चरण हाँ के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं गान करता हूँ। वैष्णवेर अधिराज अनंत ईश्वर नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर, जेते के रे चैतन्य रे नित्यानंद नहे तब उसे चरण धन रहु के हृदय। ऐसी अद्भुत लीलाएं नवद्वीप में नित्यानंद और विश्वम्भर देव मिलकर दोनों जने बड़े आनंद से किया करते हैं और बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं चलता, ऐसी लीलाएँ जो है दोनों करते हैं। नित्यानंद अलौकिक प्रेम आनंद पूर्वक निरंतर बालकों की भांति चेष्टा करते रहते हैं, मिलने पर सबसे प्रेम पूर्वक मधुर बोलते हैं, अपने आप ही नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं, क्षण में आनंद में हुंकार करने लगते हैं, जिसे सुनकर सब लोगों को बड़ा ही अद्भुत लगता है। वर्षा काल में गंगा की तरंगों में बहुत मगर होते हैं, नित्यानंद उन तरंगों में बहते फिरते हैं, तिल भर भी भय नहीं करते, मगरमच्छ बहुत होते हैं लेकिन तरंगों में बहते रहते हैं, भय नहीं करते। सब लोग देखकर हाय हाय करते हैं और फिर भी नित्यानंद हंसते हुए तैरते फिरते हैं, ये तो शेषनाग के भावावेश में रहते हैं परंतु इसे समझे बिना सब लोग हाय हाय करते हैं, है ना, कि बहुत खतरा है। किसी समय आप मूर्छित हो जाते हैं तो 3-4 दिन तक चेतन नहीं होते। कितना मूर्छित हो गए तो 3-4 दिन तक चेतन नहीं होते, मूर्छित पड़े। इस प्रकार इनके और भी अनेक अचिंत चरित्र हैं, अनंत मुखों से इनका वर्णन नहीं हो सकता है। हे मत आर कत अचिंत कथन अनंत मुखियो नारी करीते वर्णन। देवयोग से एक दिन जहाँ प्रभु गौरचंद्र बैठे हुए थे, नित्यानंद जी उनके पास आए। एक घटना तो पहले हो गई, अब दूसरी घटना है, भगवान जो है अपने घर में बैठे हैं, नित्यानंद जी उनके पास आए। बाल्य भाव में निमग्न आपका दिगंबर रूप है, बिल्कुल वस्त्र नहीं है, बालक के भाव में बिल्कुल नग्न है और स्त्री मुख पर हंसी है और नेत्रों से निरंतर आनंद की धाराएं बह रही हैं। बार बार ये कहकर हुंकार कर रहे थे कि नदिया के निमाई पंडित मेरे प्रभु हैं। नदिया के निमाई पंडित मेरे प्रभु हैं, बस और कुछ नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं, नदिया के निमाई पंडित मेरे प्रभु हैं। श्री गौर प्रभु उनकी दिगंबर मूर्ति को देखकर हंस पड़े, उनकी जो देह ज्योतिर्मय थी, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है दिगंबर हो जाते हैं तो भी बहुत सुंदर लगते हैं, है ना, इसका मतलब वस्त्र भी जो है वो पहनते हैं तो वस्त्रों की शोभा होती है उनके कारण, वस्त्रों के बिना भी वो सुंदर हैं, वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्रों की शोभा होती है उनके कारण, उनके शरीर के कारण। अभी तो हम अपने शरीर को वस्त्रों से सजाते हैं, अगर वस्त्र ना हो तो शरीर बहुत खराब लगेगा, है ना, तो वस्त्रों से ही शरीर की शोभा होती है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के शरीर में वस्त्र नहीं होते तो अभी बहुत सुंदर हैं, वस्त्र पहनते हैं तो उनके शरीर के कारण वस्त्र सुंदर हो जाते हैं, है ना, तो ये विशेषता है। तो भगवान ने क्या किया, झटपट अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहना दिया, अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहना दिया झटपट। फिर भी हंस रहे हैं नित्यानंद प्रभु, हंसते जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या, अभी नग्न थे, अभी वस्त्र धारण कर लिया, उन्हें कुछ पता नहीं, हंसते जा रहे हैं। प्रभु ने स्वयं उनके अंगों पर दिव्य गंध चंदन का लेप किया, भगवान ने स्वयं दिव्य गंध चंदन का लेप किया, फिर उनके शरीर को मालाओं से सजा दिया, उन्हें बैठने के लिए अपने सामने एक आसन दिया। गौरचंद्र उनकी स्तुति करने लगे और भक्तजनों से सुनने लगे, अब भगवान चैतन्य उनकी स्तुति कर रहे हैं और सब भक्त लोग सुन रहे हैं। आपने लेपिया
अपने लेपी लतार अंगे दिव्य गंधे से श्यामा ले पारी पूर्ण देले न श्री अंगे वसित देरे निज सम्मुखे आसन स्तुति करे प्रभु सुने सर्व भक्त गण। अब भगवान चैतन्य स्तुति कर रहे हैं उनकी, क्या कह रहे हैं, आप नाम से तो आप नित्यानंद हैं और रूप से भी आप नित्यानंद हैं। क्या नाम से भी आप नित्यानंद हैं और रूप से भी आप नित्यानंद हैं, आपका शरीर भी आनंद नित्यानंद में, नाम से भी नित्यानंद रूप से भी आप नित्यानंद हैं। आप नित्यानंद मूर्तिमान बलराम हैं, आपका शरीर भी नित्य आनंद घन है, नित्य आनंद ही आपका भ्रमण है, भोजन है, सब व्यवहार है, नित्यानंद के बिना आपका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आपका सब नित्य आनंद है, हैं और कुछ नहीं है। आपको समझने की शक्ति मनुष्य में कहाँ है, ये परम शुभ सत्य है कि जहाँ आप हैं वहाँ पर श्री कृष्ण हैं। हरि बोल। ग्रंथकार कहते हैं श्री चैतन्य प्रेम रस में निमग्न है नित्यानंद प्रभु, अतः श्री गौर जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं नित्यानंद प्रभु को सम्मत ही होता है। फिर प्रभु बोले आप अपनी एक कॉपी दें, ये मेरी बड़ी इच्छा है। भगवान कहते हैं अपनी एक कॉपी दीजिए। ऐसा कहकर प्रभु ने उनकी कॉपी लेकर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर लिए। नित्यानंद प्रभु की कॉपी लेकर के उनके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर लिए और वैष्णव मंडल में प्रत्येक भक्त को स्वयं प्रभु ने भी टुकड़े बांट दिए। सोचिए कॉपी तो बहुत अशुद्ध होता है ना, है ना, तो उनकी कॉपीन जो है लेकर के उसके कई टुकड़े किए और भक्तों में बांटे, है ना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का शरीर है उसमें जो है कोई मल नहीं, निर्मल है उनका शरीर, उनके शरीर में जो है मल मूत्र कुछ भी नहीं है, तो पूरा शरीर दिव्य है, तो उनके कॉपीन के जो है कई टुकड़े करके भक्तों में बांट दिए। श्री गौर बोले सब लोग अपने अपने सिर पर इन टुकड़ों को बांध लो। क्या भगवान ने कहा, इन टुकड़ों को सब लोग कहाँ बांधो, अपने सिर पर बांधो, सिर पर बांध लो। औरों की तो बात क्या, योगेश्वर भी इस वस्त्र की बड़ी इच्छा करते हैं, बड़े बड़े योगेश्वर भी इस वस्त्र की इच्छा करते हैं, है ना। नित्यानंद की कृपा से ही विष्णु भक्ति प्राप्त होती है, इनको आप श्री कृष्ण की पूर्ण भक्ति शक्ति जानो। किसने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, किससे कहा, सब भक्तों से कहा, सब भक्तों से कहा। नित्यानंद के बिना श्री कृष्ण का दूसरा स्थानी और कोई नहीं है, स्वरूप तत्व में विषय में श्री कृष्ण के बाद बलराम या नित्यानंद का ही स्थान है, स्वरूप तत्व के संबंध में श्री कृष्ण के बाद दूसरे विस्तार कौन है, बलराम या नित्यानंद है। नामे नित्यानंद है तुम्हें रूपे नित्यानंद ए तुम्हें नित्यानंद राम मूर्तिमंत, नित्यानंद पर्यटन भोजन व्यवहार नित्यानंद बिने किछु नाहि के तुमार, तुम्हारे बुझे ते शक्ति मनुष्य रे कोथा परमेश्वर सत्य तुम्हें जथा कृष्ण तथा, चैतन्य रह रसे नित्यानंद महामति जे बोले न जे करे न सर्वत्र सम्मति। संगी आप हैं, कृष्ण के संगी आप हैं, सखा भी आप हैं, सैया भी आप हैं, बंधु भी आप हैं, भाई भी आप हैं, हैं श्री कृष्ण की सेवा सब प्रकार से संपन्न करते हैं। कृष्ण द्वितीय नित्यानंद भाई नाई संगी सखा सयन भूषण बंधु भाई। नित्यानंद के चरित्र वेदों को भी गम है, ये सब जीवों के जनक हैं, रक्षक हैं और मित्र हैं, इनके व्यवहार और कर्म सब कृष्ण प्रेम रस के हैं से भरे हैं, इनकी सेवा करने से श्री कृष्ण में प्रेम भक्ति होती है, इनकी कॉपी इनको भक्ति पूर्वक सिर पर बांधो और घर जाकर महायत्न पूर्वक इसकी पूजा करो। नित्यानंद होगी कॉपी इनका टुकड़ा है, अभी सिर में बांधो और घर में जाकर के कहाँ रखना है, पूजा के स्थान में रखना है, पूजा करना है, हैं भगवान की आज्ञा है, हैं पूजा करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सब भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक वे टुकड़े सिर पर बांध लिए। पाई है प्रभु रे आज्ञा सर्व भक्तगण पर हमें आधार से रे करीला बंधन। प्रभु ने फिर कहा हे भक्तगण सुनो, नित्यानंद का चरण जल पियो। अब भगवान क्या कह रहे हैं, नित्यानंद के चरणों का जल पियो। भगवान कहते हैं इनका चरण जल पीने से श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। हरि बोल।
प्रभु की आज्ञा पाकर भक्तजन नित्यानंद के चरण धोकर और पीने लगे। एक एक भक्त पांच पांच और दस दस बार उसे पीने लगा। पांच बार पिया, दस दस बार पिया एक एक भक्त, है ना। नित्यानंद को बाहरी ज्ञान नहीं था, वे निरंतर हंसते जा रहे हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, निरंतर हंसते ही जा रहे हैं। महाप्रभु गौरंग स्वयं बैठकर आनंदपूर्वक नित्यानंद का चरण जल लुटा रहे हैं। सब भक्त लोग चरण जल पीकर उन्मत्त की भांति हरि बोल हरि बोल पुकारने लगे, हरि बोल हरि बोल। तो उन्होंने कान उन्होंने मुंह से पिया, आप लोग कानों से पी रहे हैं। ये भी पीना है, कानों से। इस प्रकार से कोई कहता आज जीवन धन्य हो गया, कोई कहता आज जीवन धन्य हो गया, कोई कहता आज समस्त बंधन नष्ट हो गए, है ना। कोई कहता कि आज मैं कृष्णदास बन गया, है। कोई कहता आज के दिन का उदय होना मेरे लिए धन है। कोई कहता कि चरण जल तो बड़ा स्वादिष्ट है, चरण जल तो अभी तक मुंह का मिठास दूर नहीं हुआ है, अभी तक मुंह का मिठास दूर नहीं हुआ है। नित्यानंद चरण जल का कैसा प्रभाव कि पीते ही सब चंचल स्वभाव के हो गए, और उनकी तरह वो भी पागल हो गए, पी करके सब चंचल स्वभाव के हो गए। पांच बार है दस बार एको जन खाए, बाहे नाए नित्यानंद हासे सदाए, अपने मसीहा महाप्रभु गौर राय, नित्यानंद पादोदके को दुखे लुटाए, सभे नित्यानंद पादोदके करी पान, मध्य प्राय हरि बलि करे आह्वान। केहो बोले आज धन हई ले जीवन, केहो बोले आज सब खंडी ले बंधन, केहो बोले आज हई लांग कृष्णदास, केहो बोले आज धन दिवस प्रकाश, केहो बोले पादोदके बड़े स्वादु लगे, एक अन्य वो मुख रे मिष्ट तना ही भागे। अब सब भक्त चंचल स्वभाव के हो गए। फिर तो कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, कोई जमीन पर लोट पोट हो गया, सब पागल हुए। कोई बारंबार हुंकार और गर्जना करने लगा। इस प्रकार परम आनंदमय श्री कृष्ण संकीर्तन होने लगा, हरि बोल। और भक्तजन बेहल होकर नाचने लगे। थोड़ी देर में गौरचंद्र भी हुंकार करते हुए उठ खड़े हुए और अपार नृत्य करने लगे। भगवान जो है उन्होंने हुंकार किया, अपार नृत्य करने लगे। तुरंत ही नित्यानंद उठ खड़े हुए और भक्तों के बीच दोनों प्रभु नृत्य करने लगे। अब भक्तों के बीच में दोनों प्रभु नृत्य कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर गिर पड़ता है तो कोई किसी को पकड़ता है, कोई किसी की चरण धूल सिर पर चढ़ाता है, कोई किसी के गलकंठ होकर रोता है, कोई कुछ कर रहा था, और सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु मानने पर भी श्री निताई गौर से किसी को कुछ भय नहीं था, है ना। मतलब निताई गौर भी जो है क्या है कि उनसे भी टकरा जाते हैं भक्त लोग, अब कुछ भी भय नहीं है। हालांकि निताई गौर हैं, प्रभु हैं, लेकिन कोई भी किसी को कुछ भय नहीं है। जब नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो कोई भी उनके ऊपर गिर जाए, है ना, तो कुछ कोई जो है इससे जो है वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। प्रभु और दास सब एकत्र मिलकर नृत्य कर रहे हैं, हैं। अब प्रभु दास जो है सब एकत्र नृत्य कर रहे हैं और नित्यानंद और चैतन्य परस्पर आलिंगन किए हुए नाच रहे हैं, आलिंगन करके नाच रहे हैं। दोनों महाकौतुकी हैं। नित्यानंद के चरणों के पटक से पृथ्वी कंपायमान हो रही थी, ये देखकर भक्तगण हरि बोल ध्वनि करने लगे, हरि बोल हरि बोल। अब जमीन कांप रही है, नित्यानंद के चरणों से जमीन कांप रही है, है ना। तो ये जो जमीन में कंपन है ये क्या है, ये प्रेम का कंपन है। जब असुर लोग जो है चलते हैं जमीन पर तो जमीन कांपती है, तो वो जो कंपन है वो भार होता है, पृथ्वी के ऊपर भार, है ना। जो जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ जाता है तो फिर पृथ्वी देवी बहुत कष्ट पाती है, अपनी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाती है, ब्रह्मा जी फिर भगवान को सुनाते हैं, फिर भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए आते हैं। तो एक वो पृथ्वी के ऊपर भार और कंपन होता है असुरों का, और दूसरा नित्यानंद प्रभु के चरणों से कंपन होता है, तो वो कंपन क्या है, प्रेम का। ये पृथ्वी के ऊपर प्रेम का भार है ना।
ये देखकर भक्तगण हरि बोल ध्वनि करने लगे। प्रेम रस में मत होकर वैकुंठ के ईश्वर सब प्रेमी सेवकों को लेकर नाच रहे हैं। छाड़े के गौर चंद्र छाड़े के श्री गौर चंद्र करी अहंकार उठिया लागीला नित्य करी ते अपार नित्यानंद स्वरूप उठीला तत् क्षण नित्य करे दुई प्रभु बेढ़ी भक्तगण कार गाय केवा पड़े केवा कार्य धरे केवा कार्य चरणे रधूलि लय शिरे केवा कार्य गला धारी कर एक रंदन केवा कौन रूप करे ना जाए वर्णन। इन सब लीलाओं की कभी समाप्ति नहीं है। इन सब लीलाओं की कभी समाप्ति नहीं है, ये कई बार कहा जा चुका है ना, कभी समाप्ति नहीं होती। जैसे सूर्य समाप्त नहीं होता, अगर सूर्य का अस्त हो गया तो दूसरे स्थान में उदय हुआ है ना। तो सूर्य का उदय हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है, तो सूर्य समाप्त नहीं होता है ना। और सूर्य जो है का मध्यान्ह काल भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और सूर्य का अस्तकाल भी कहीं ना कहीं हो रहा है ना। तो सब सूर्य की जितनी भी कलाएं हैं वो हमेशा रहती हैं है ना। तो उसी प्रकार से भगवान की जितनी लीलाएं हैं सब जो है एक एक ब्रह्मांड में जाती रहती हैं है ना। तो लीलाएं समाप्त नहीं होती हैं है ना। वे दिन का केवल आविर्भाव तिरुभाव कहते हैं। इस दिन इस प्रकार सारा दिन नृत्य करके प्रभु गौर हरि सब भक्तजनों के साथ बैठ गए। अब भगवान जो है पूरा दिन इसी में बीत गया, और अब बैठ गए भक्तों के साथ में। प्रभु गौरांग सुंदर अपने हाथों से तीन तालियां देकर सब लोगों के प्रति अमायिक वचन बोले। भगवान ने तीन तालियां दी इस तरह से, तो तीन तालियां दी। तीन तालियां देने के मतलब कि सावधान होकर के सुनो है ना। जब चैतन्य महाप्रभु बोले अमायिक वचन बोले, अमायिक का मतलब जैसे माया नहीं है, तो बहुत तो उनकी माया होती है। अमायिक वचन बोले यानी ईश्वर भाव में, भगवान जो है अब ईश्वर भाव में है। तो क्या बोले, इन नित्यानंद की जो कोई श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है वो मेरी ही भक्ति करता है। हरि बोल। इसमें किसी प्रकार का छल कपट माया नहीं है। हे मत सर्वजन प्रभु नृत्य करी वसीलियन सर्वगण संगे गौर हरि हाथ तीन ताली दिया गौरांग सुंदर सब हरे कहे न अति अमाया उत्तर प्रभु बोले ए नित्यानंद स्वरूपे रे जे करे भक्ति श्रद्धा से करे अमारे। इनके श्री चरण ब्रह्मा और शिव के द्वारा भी वंदित है। इनके चरण कमल ब्रह्मा और शिव के द्वारा भी वंदित है ना। इसमें कोई माया नहीं है, बिल्कुल सत्य है ना। इनके श्री चरण ब्रह्मा और शिव के द्वारा भी वंदित हैं। अतः इनसे सब प्रेम करो, इनसे तिलभर भी जो द्वेष करता है वो भक्त होने पर भी मेरा प्यारा नहीं है। तिलभर भी कोई द्वेष करेगा तो भक्त होने पर भी मेरा प्यारा नहीं है। इहाने चरण ब्रह्मा से भी रो वंदित है अतएव इहाने कार्य है सभ्य प्रीत है तिलार्थे को इहाने जहार द्वेष रहे भक्त है ही ले से हमारे प्रिय नहीं। इनकी इनके शरीर की वायु जिसके शरीर का स्पर्श करेगी उसे भी श्री कृष्ण कदापि नहीं छोड़ेंगे। हरि बोल। इनके शरीर की हवा अगर किसी के शरीर में लग जाए तो उसको भी श्री कृष्ण कदापि नहीं छोड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। और कृष्ण ना छोड़ें है ना, तो कितना बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ, इससे बड़ा और क्या लाभ है कि कृष्ण कभी ना छोड़ें है ना। तो इनके शरीर की वायु जिसके शरीर का स्पर्श करेगी उसे भी श्री कृष्ण कदापि नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के वचनों को सुनकर सब भक्तों ने तत्क्षण महा जय जय ध्वनि की। हरि बोल। महा जय जय ध्वनि की। इहाने चरण है ब्रह्मा से भी रो वंदित है अतएव इहाने कार्य है सब प्रीत है तिलार्थे को इहाने जहार द्वेष रहे भक्त है ही ले उसे हमारे प्रिय नहीं। इहाने वातास लगी वे के जार गाय तहारे ओ कृष्ण न छाड़े वे सर्व थाए सुनिए प्रभु रे वाक्य सर्व भक्त गण महा जय जय है ध्वनि करिला तखन। प्रभु के वचनों को सुनकर सब भक्तों ने तत्क्षण महा जय जय की ध्वनि की। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इन सब चरित्रों को सुनेंगे
सुन रहे सब लोग, कान खोल, कान खोल करके सुनो। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इन सब चरित्रों को सुनते हैं उनके स्वामी श्री गौरचंद्र भगवान होते हैं। भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान, तारे स्वामी है गौरचंद्र भगवान, तारे स्वामी है गौरचंद्र भगवान, तारे स्वामी है गौरचंद्र भगवान। भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान, तार स्वामी है गौरचंद्र भगवान। हरि बोल। वे श्री चैतन्य की दास्ता लाभ करते हैं। कौन सा लाभ मिलता है? श्री चैतन्य की दास्ता का लाभ मिलता है। हरि बोल, हरि बोल। वे श्री चैतन्य की दास्ता का लाभ करते हैं। नित्यानंद के इन सब चरित्रों को जिन्होंने देखा वे भली भांति उन्हें जानते हैं। नित्यानंद के प्रभावशाली असंख्य चरित्र हैं, उन्हें श्री चैतन्य के प्रिय महाभाग्यवान ही जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र मेरे जीवन प्राण हैं, उनके युगल चरणों के सान्निध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएँ गान करता हूँ। भक्ति कारी जे सुनाए ऐसा मैं आख्यान, तार स्वामी है गौर चंद्र भगवान। नित्यानंद स्वरूप रे ऐसा कल कथा, जे देखे ले तहारे से जाने सर्वथा। हे मत कत निंदा नित्यानंद रे प्रभाव, जाने जत चैतन्य रे प्रिय महाभाग। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तजो पद जोगे गान। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे नित्यानंद प्रभाव वर्णनम नाम द्वादशोध्याय। तो ये जो है 12वां अध्याय। हरि बोल। नित्यानंद प्रभाव वर्णन नाम का 12वां अध्याय पूरा हुआ। तो अभी हमारे पास समय है आप लोगों के साथ कुछ मंथन, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? जी मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। जिस समय भगवान जो है नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि आप चंचलता मत किया करो, जब भगवान चैतन्य है नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि आप चंचलता मत किया करो, तो नित्यानंद प्रभु क्या उत्तर देते हैं? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन उठाएगा? हाँ, इनको हाथ, इनको माइक दीजिए। माता जी को नहीं, कुछ और बोला था, और कुछ और बोला था, और कौन था? हाँ नहीं वो तो, हाँ इनको, इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। क्या कहा था? हाँ, इसमें वर्णन आता है कि नित्यानंद श्री विष्णु कह करके स्मरण करने लगे। ऐसे श्री विष्णु, श्री विष्णु मतलब कितनी गलत बात बोल दी मेरे बारे में आपने। श्री विष्णु, श्री विष्णु ऐसा कह करके स्मरण कर लेंगे। और फिर कहा आप ऐसे कभी मुझ में चंचलता नहीं पाओगे, आप अपने जैसा किसी को मत समझो। उल्टी शिक्षा दे दी, अपने जैसा किसी को मत समझो, ये भी बोल दिया। अच्छा फिर गौरचंद्र बोले, नितन बोले, विश्वंभर, हाँ भगवान चैतन्य बोले, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान चैतन्य बोले नित्यानंद को, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तब नित्यानंद क्या बोले? नित्यानंद क्या बोले? भगवान बोले मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तो नित्यानंद क्या बोले? है माँ घर पे नहीं है। हाँ वो भी है, अभी अभी यहाँ पर क्या है, नित्यानंद बोले बताओ तो मेरे दोस्त, सुनो तो बताओ मेरे दोस्त। तो हंस करके बोले भगवान तुम्हारा क्या दोष? दोष यही है कि सारे घर में तुम अन्न वर्षा कर देते हो। नित्यानंद भगवान बोले अब और क्या बताऊं,
पूरे घर में तो अन्न वर्षा कर देते हो। तो नित्यानंद क्या बोले, कौन बोले, कौन बताएगा, हाथ उठाइए। हाँ जी, इनको दीजिए। मैं आप मुझे घर पे भोजन कराने के लिए अभी नहीं जा रहे हो? हाँ, हरिओम। नित्यानंद क्या बोले कि ऐसा तो पागल किया करते हैं, इसी बहाने आप मुझे अपने घर में भात नहीं खिलाओगे। अच्छा मत खिलाओ, मुझे ना देकर आप अकेले मौज से खाओ, लेकिन अपने इस अपयश को क्यों करते फिरते हो? नित्यानंद क्या बोले, अपने इस अपयश को क्यों करते फिरते हो, इसका क्या मतलब, अपना ही अपयश कर रहे हो तुम। नित्यानंद कह रहे हैं भगवान से कि तुम अपना ही यश करते फिरते हो, इसका क्या मतलब है? मेरी बदनामी होगी तो आपका अपयश होगा। इनको माइक दीजिए। मेरी बदनामी होगी तो आपका अपयश होगा। हाँ, क्योंकि हमेशा दिन रात ये क्या बोलते हैं कि मेरे प्रभु हैं, वो मेरे प्रभु हैं। तो अगर मेरी निंदा करोगे तो तुम्हारी अपना अपयश क्यों करते फिरते हो? नित्यानंद कहते हैं कि अगर मुझे नहीं बुलाते हो भोजन के लिए, तुम आप बुलाओ, खुद खाओ, मौज से खाओ, लेकिन अपयश क्यों कर रहे हो, अपना अपयश कर रहे हो। नित्यानंद प्रभु ऐसा बोले, है ना। इसका मतलब यह है कि अगर नित्यानंद घर भर में अन्न फैला देता है, ऐसा कहने से मुझे कोई अन्न नहीं खिलाएगा, तो इसमें आपका ही अपयश फैलेगा। कोई मुझे नहीं बुलाएगा भोजन के लिए तो आपका ही अपयश फैलेगा। नित्यानंद प्रभु ने ये उत्तर दिया। तो प्रभु बोले, तुम्हारा अपयश आकर मुझे लगता है, इसीलिए तो मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूँ। भगवान बोले, तुम्हारा अपयश आकर मुझे लगता है, इसीलिए तो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। भगवान ने कहा, किसी और से थोड़ी बोल रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ। तुम्हारा अपयश आकर मुझे लगता है, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। तब नित्यानंद क्या बोले हंस करके, तब नित्यानंद क्या बोले हंस करके, नित्यानंद बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, चंचलता ही देखने पर सदैव शिक्षा देते रहना, आपने ठीक कहा, मैं चंचल हूँ। और खिलखिलाकर हंस पड़े और बाहर की शुद्ध बुद्ध नहीं रही और क्या कर दिया, क्या कर दिया, सब वस्त्र निकाल दिए, सब वस्त्र निकाल दिए। हैं, ये बोल भी दिया, चंचलता देखने पर शिक्षा दिया करो, शिक्षा देते रहो, और हंस करके जो है अब बिल्कुल बाहरी हैं शुद्ध बुद्ध रही नहीं, सब वस्त्र निकाल दिए, बिल्कुल नग्न हो गए, बिल्कुल नग्न हो गए, है ना। और जो वस्त्र था, जो कौपीन था, उसको सिर में लपेट लिया, सिर में लपेट लिया, है ना। तो ये जो कार्य हैं अवधूत, ये अवधूत के हैं, है ना। सावधूतम, है ना, परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम, है ना। तो अवधूत, तो अवधूत है परमहंस। तो परमहंस अवस्था में वो जो है कोई भी कार्य करे, शास्त्र से ऊपर होता है, शास्त्र से बाहर। अब कमर का वस्त्र है, कौपीन वस्त्र है, सर में लपेटना, है ना। सर तो उत्तम अंग है, कहते हैं सबसे ऊपर, है ना, सबसे उत्तम है। तो ये कौपीन का वस्त्र या जो है कप में जो पैर की जूती सिर में थोड़ी रखेंगे, या कमर का वस्त्र है कौपीन सिर में थोड़ी पहनेंगे, लेकिन वो कुछ भी करें हैं शास्त्र से बाहर है, है ना। तो जो है नित्यानंद प्रभु की जो स्थिति है वो ऐसे हो गई कि वस्त्र को सिर में लेकर लपेट लिया और फिर क्या करने लगे, हैं, हाँ, दोनों पैरों को मिला करके कूद रहे हैं, दोनों पैरों को मिला करके कूद रहे हैं। और पूरे आंगन भर में घूमने फिरने लगे। तब गदाधर, श्रीवास और हरिदास तीन लोग हंसने लगे और कहा, देखो प्रभु ने इनको चंचलता ही ना करने की शिक्षा दी तो क्या फल हुआ, उल्टा ही फल हुआ। उल्टा ही फल हुआ, क्या दिगंबर बने घूम रहे हैं। तब विश्वम प्रभु ने जोर से कहा, प्रभु ने जोर से कहा, क्या कहा जोर से, अब सब का वस्त्र उतार दिए और दोनों पैरों को जोड़ करके और कूद रहे हैं पूरे आंगन भर में। तब प्रभु ने जोर से कहा, अब क्या कहा, कौन बताएगा, हैं, प्रभु ने जोर से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, गृहस्थियों के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है।
प्रभु ने कहा गृहस्थियों के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी तो तुमने कहा था मैं क्या पागल हूँ, अभी अपनी सब बात मिटा दी, पागल बन गए। जैसे बाहर की कुछ खबर नहीं, उसे किसी की बातों से ताने से कहाँ लज्जा आती है। चाहे जितने ताने दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाहर की शुद्ध नहीं है। आनंद सागर में बह जा रहे हैं तो प्रभु ने स्वयं पकड़ करके उनको वस्त्र पहनाया। अपने हाथ से वस्त्र ही नहीं पहनेंगे, है ना। जैसे बालक होता है ना, बच्चा है ना, तो कुछ सोचते नहीं कि उसके शरीर में वस्त्र है या नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके लिए, है। तो बच्चे को जो है माता खुद ही वस्त्र पहनाएगी, नहीं तो वस्त्र नहीं पहनता है। तो प्रभु ने खुद पकड़ करके इनको वस्त्र पहनाया, है ना, है। प्रभु ने इनको पकड़ करके वस्त्र पहनाया, है ना। तो किसी को नहीं मानते, चैतन्य के वचन अंकुश को मानते हैं, है ना। जैसे मत जो पागल हाथी होता है, पागल हाथी जो है केवल अंकुश के द्वारा ही बस में आता है। हाथी अगर पागल हो जाए तो अंकुश जो है अंकुश के द्वारा बस में आता है। तो भगवान चैतन्य के वचन अंकुश के समान है, तो वही उन्हीं को मानते हैं कुछ देर के लिए, और किसी की बात मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के वचन अंकुश के समान है, है ना। तो और मालिनी जो है पुत्र की भांति उनके मुख में अन्न देती है, है ना। अच्छा, फिर एक बार क्या घटना हुई कि पीतल की कटोरी कौवा ले गया, पीतल की कटोरी कौवा ले गया, है ना। तो कौवा उनके घर से पीतल की कटोरी ले गया और पेड़ के एक डाल में बैठ गया। अब मालिनी देख रही है, फिर वो उड़ करके चला गया और कटोरी कहीं छोड़ के आ गया और फिर से डाल बैठ गया। अब मालिनी को क्या चिंता हुई, क्या चिंता, कौन बताएगा। हाँ, तो मालिनी को चिंता हुई कि वो जो कटोरी है वो जो है कृष्ण के घी की कटोरी है, कृष्ण के घी की कटोरी है, और जो श्रीनिवास ठाकुर हैं उनका बड़ा कड़ा व्यवहार है, कृष्ण के घी की कटोरी कहाँ गई, है ना। तो बड़ा कड़ा व्यवहार है, है ना। तो अब जो है वो रो रहे हैं, मालिनी रो रही हैं। तो नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु क्या बोले, वो तो हंस रहे थे, हंसते हुए बोले, क्या बोले, हाँ हाँ वो बोले कि हाँ क्यों रो रही हो, क्या दुख है बताओ, मैं सब दुख दूर कर दूंगा। तो मालिनी बोली कि सुनो श्रीपाद, कृष्ण के घी की कटोरी को कौवा ना जाने कहाँ ले गया है। तो नित्यानंद बोले माता चिंता छोड़ो, मैं ला दूंगा कटोरी, तुम रोना बंद करो। और हंस करके कौवर से बोले, नित्यानंद प्रभु जो है हंस करके कौवर से बोले, क्या बोले, कौवा से हंस करके बोले, बोले क्या बोले, अरे कौवे अभी ले आओ कटोरी यहाँ पर, हंस करके बोले, अरे कौवे ले आओ कटोरी यहाँ पर। और क्या हुआ, आज्ञा को सुनकर कौवा उड़ गया और मालिनी जो है देखती रही अब क्या होगा। मालिनी बड़ी चिंता में देख रही है कि वो कौवा उड़ के चला गया, अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, क्या देखा, कौवा चोंच में कटोरी लेकर के आया और आंगन में छोड़ करके चला गया। हरि बोल। फिर मालिनी ने फिर नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी, स्तुति करी नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी मालिनी ने। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है कैसे सुनते हैं, जैसे बच्चे को आप जो है चाहे जितना भी कुछ बात करो वो अपने बाल विभाव में रहता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो बच्चा जो है कुछ नहीं समझता, होता है ना, बच्चे को चाहे जितना भी कुछ बोलो है ना, तो कुछ सुनते नहीं। तो उन्होंने बहुत स्तुति करी मालिनी ने, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है सुन करके हंसे और बाल्य भाव में क्या बोले, क्या बोले बाल्य भाव में, कौन बताएगा। नित्यानंद प्रभु हंसे और बाल्य भाव में बोले, क्या बोले, हाँ कौन बोले, कौन बताएगा। मालिनी ने स्तुति करी और बहुत लंबी स्तुति करी, है ना। उन्होंने लक्ष्मण जी का भी बताया, आप लक्ष्मण जी हैं, सीता जी के चरणों को की सेवा और आपने कुछ देखा ही नहीं,
उनकी सेवा में रहते थे, उनकी रक्षक बन करके रहे, है ना। और गुरु के मृत पुत्र को भी ले आए, है ना, तो स्तुति करी। लेकिन ये तो हंस करके ऐसे जैसे कि बच्चे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे जितना भी स्तुति करो कुछ भी करो, है ना। तो क्या बोले हंस करके, मैं भोजन करूँगा, हाँ मैं भोजन करूँगा, बोले मैं भोजन करूँगा, है ना। और नित्यानंद को देखना ही, देखते ही मालिनी के स्तन बहने लगे, देखने से ही मालिनी के स्तन बहने लगे, है ना, और स्तन पान करने लगे। नित्यानंद प्रभु स्तन पीने लगे, है ना, वह स्तन पी रहे हैं, वो कुछ नहीं जानता। जैसे बच्चा स्तन पीता है माता का तो कुछ जानता नहीं, तो स्तुति का कोई मतलब ही नहीं है। मालिनी जितनी स्तुति की इसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो उनका स्तन पी रहे हैं, है ना। ऐसे भगवान जो है अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को बड़ा बना देते हैं और खुद बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। हरि बोल। अच्छा, एक बार चैतन्य महाप्रभु जब घर में हैं तो विष्णुप्रिया के साथ में हैं, है ना, विष्णुप्रिया के साथ में हैं। और उसी समय जब नित्यानंद प्रभु आए घर में, है तो कैसी हालत में आए, दिगंबर, बाल्य भाव में दिगंबर, बालक के भाव में दिगंबर है, बाल्य भाव में दिगंबर हैं, है। तो प्रभु बोले कि नित्यानंद दिगंबर कैसे हो, प्रभु बोले नित्यानंद दिगंबर कैसे हो, तो नित्यानंद जी ने क्या उत्तर दिया, है? हाँ 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 हाँ, मतलब कोई खास बात नहीं। प्रभु पूछते दिगंबर कैसे हो, हाँ हाँ, इस तरह से उत्तर दिया। तो भगवान बोले नित्यानंद वस्त्र पहनो, तब नित्यानंद क्या बोले, क्या बोले नित्यानंद, भगवान का वस्त्र पहनो, नित्यानंद वस्त्र पहनो, क्या बोले, मैं जाऊंगा, बोले मैं जाऊंगा, नित्यानंद बोले मैं जाऊंगा। तो प्रभु बोले नित्यानंद ऐसा क्यों कर रहे हो, तो नित्यानंद क्या बोले, और नहीं खा सकता, क्या बोले, और नहीं खा सकता, और नहीं खा सकता। प्रभु बोले एक बात छोड़कर दूसरी क्यों करते हो, प्रभु बोले एक बात छोड़कर दूसरी बात क्यों करते हो, तो नित्यानंद क्या बोले, मैं 10 बार गया था, क्या बोले, मैं 10 बार गया था। तब प्रभु बोले मेरा दोष नहीं है, तो नित्यानंद क्या बोले, यहाँ पर माँ नहीं है। प्रभु बोले मेरा दोष नहीं है, तो नित्यानंद बोले यहाँ पर माँ नहीं है, यहाँ पर माँ नहीं है। फिर प्रभु बोले कृपा करके वस्त्र तो पहनो, कृपा करके वस्त्र तो पहनो, तो क्या बोले नित्यानंद, क्या बोले, मैं भोजन करूँगा, भोजन करूँगा, है ना। इस प्रकार जो है उनको बाहरी ज्ञान है ही नहीं, और हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, है ना। और फिर सची माता ने इनको संदेश दिए, किसको, नित्यानंद प्रभु को संदेश दिए, कितने संदेश दिए, 5 संदेश दिए। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, एक खाली और बाकी चार फेंक दिए, है ना। तो सची माँ क्या बोले, हाँ तो मैं ये 4 क्यों फेंक दिए, तो नित्यानंद क्या बोले, इकट्ठे क्यों दिए मुझे, इतने सारे इकट्ठे क्यों दिए, नित्यानंद बोले। तो माता क्या बोली, अब और तो है नहीं, अब क्या खाओगे, अब और तो है नहीं, क्या खाओगे। तो बोले देखो अवश्य होंगे, अंदर देखो अवश्य होंगे। और माता ने जाकर देखा तो क्या देखा, 4 और संदेश रखे हैं, भीतर रखे हैं। तो माँ जो है वो सोचे अरे कहाँ से आ गए संदेश, बड़ी प्रसन्न हुई और उठा करके लाई। और नित्यानंद को देखा तो क्या देखा, नित्यानंद के प्रभु के को किस तरह देखा, कौन बताएगा, हाँ तो रही, कौन बताएगा, हाँ माता जी इनको इनको माइक दीजिए। हाँ
हो, माता ने देखा कि नित्यानंद मुनि फेंके हुए संदेश को खा रहे हैं, तो माता ने पूछा बेटा ये कहाँ से आ गए? नित्यानंद क्या बोले, वही तो हैं जो मैंने फेंके थे, वही तो हैं जो मैंने फेंके थे, हैं तुमको दुख देख करके मैं उठा लाया। तो माता मन में सोचती है कि नित्यानंद की महिमा कोई नहीं जानता। तो ऐसे नित्यानंद और भगवान चैतन्य के चरित्र हैं जो भक्तों को जो है हैं प्राप्त होते हैं, और बाहरी दुनिया में कैसे हैं, बाहरी दुनिया में बिल्कुल बेखबर, कोई नहीं जानता। नित्यानंद को सोचते हैं कोई खास बात तो नहीं है, है ना, अवधूत है। चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते हैं, कोई खास बात नहीं है, है। फिर भी नवद्वीप के वासी बड़े भाग्यशाली है ना, फिर भी नवद्वीप के वासी भाग्यशाली हैं, है कि वे अगर नहीं जानते हैं भगवान के तत्व को, चैतन्य नित्यानंद के तत्व को नहीं जानते हैं, तो भी वे जो है हैं देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, भाग्यशाली हैं, ठीक है ना। अब और किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, भगवान चैतन्य जो है फिर एक दिन बैठे हैं अपने घर में, और नित्यानंद आए और बिल्कुल दिगंबर और बाल्य भाव में हंस रहे हैं, हैं। तो भगवान ने जो है उनको जो है अपने मस्तक का वस्त्र पहनाया, भगवान चैतन्य अपने मस्तक का वस्त्र उनको पहनाया, नित्यानंद प्रभु को पहनाया है, और फिर पूरा शरीर मालाओं से सजाया, और फिर उनकी स्तुति करी, नमस्कार किया, हैं। और फिर बाद में भगवान चैतन्य ने उनसे नित्यानंदपुर से कुछ मांगा, क्या मांगा, कौपीन, अपनी कौपीन हमको दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंदपुर से अपनी कौपीन, उनकी कौपीन मांगी, है ना, और प्रभु ने जो है कौपीन ले ली। वो तो देने वाले भी नहीं, उनको भगवान ने ही ले ली कौपीन, कौपीन ले ली, और फिर उसका क्या किया, कौपीन का बहुत टुकड़े किए, बहुत से टुकड़े किए उस कौपीन के, है ना, बहुत से टुकड़े किए, और एक एक टुकड़ा क्या किया, सब भक्तों में बांटा, और क्या करने के लिए कहा, अपने वस्त्र में बांध, अपने सिर में बांधो, सब लोग अपने सिर में बांधो, हाँ, इस वस्त्र को अपने सिर में बांधो, ये बहुत दुर्लभ है। कौन कौन से लोग हैं जो चाहते हैं इस वस्त्र को, कैसे लोग हैं, हैं, कौन बताएगा, बड़े बड़े योगेश्वर, वैष्णव की तो बात अलग है, बड़े बड़े योगेश्वर भी इस वस्त्र को चाहते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े योगेश्वर भी इस वस्त्र की इच्छा करते हैं, हैं, और इनकी कृपा से विष्णु भक्ति प्राप्त होती है, है ना। और फिर जो है भगवान ने भक्तों को फिर एक दूसरा आदेश दिया, हाँ, अपने पूजा, हाँ, घर में ले जा करके अपनी पूजा करो, इस वस्त्र की पूजा करो। फिर दूसरा आदेश दिया भगवान ने, क्या आदेश दिया, चरणामृत, इनका चरणामृत पियो, है ना। तो भक्तों को आदेश दिया कि इनका जो है चरणामृत पियो, है ना, और इस तरह से जो है सब भक्त लोग जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों को धोने लगे। तो फिर कोई एक बार पीता है तो एक बार से संतुष्ट हो जाता है, नहीं होता है, पांच बार, दस बार पीते हैं, हैं, और क्या क्या बोलते हैं भक्त लोग, क्या क्या बोलते हैं उनके चरणों के जल को, क्या क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, हाँ, किसी ने कहा बहुत स्वादिष्ट है, हैं, हाँ, इनकी मिठास नहीं जा रही, पीने के बाद भी मिठास नहीं जा रही है, है ना, और पीते ही सब क्या हो गए, आनंद में चंचल हो गए, चंचल स्वभाव के हो गए। तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लोट पोट हो रहा है, कोई हुंकार कर रहा है, कोई गर्जना कर रहा है, इस प्रकार से श्री कृष्ण संकीर्तन हुआ, और फिर अपार नृत्य हुआ, है ना। और फिर भगवान चैतन्य और नित्यानंद दोनों मिलकर के नृत्य करते हैं, हैं, और भक्तों के साथ में जो है फिर सब प्रकार की टक्कर भी होती है, आपस में टकराते भी हैं। अब यहाँ पर
हैं, दास और प्रभु का कोई भेद नहीं है। सब जो है टकराते हैं एक दूसरे के ऊपर, भी गिर जाते हैं, कोई नीचे आ जाता है, कोई ऊपर आ जाता है, हैं इस प्रकार से जो है ये होता है ना। और अंत में जो है भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के प्रति संबंध में अमायिक वचन बोले जिसमें कोई कपट नहीं है, कोई कपट नहीं है। क्या वो क्या बात बोले कौन बताएगा? बिना किसी कपट का कुछ जो है कुछ उन्होंने आदेश उपदेश दिया। क्या है जो नित्यानंद की भक्ति करता है वो मेरी भक्ति, और कोई और क्या कहा? इनके शरीर की वायु जिसका स्पर्श करेगी उसे, इनके शरीर की हवा जिसके शरीर को लगेगी उसको, आप बोलो। हाँ हाँ हाँ, उसे कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके शरीर की हवा जिसको लगेगी उसको कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। नित्यानंद प्रभु के बारे में ये कहा। ये सब जो है कैसी बातें हैं? निष्कपट बातें, इसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, है ना। तो ये आज का जो है ये इस प्रकार से हमने कथा आज की समाप्त की है। अब हम आगे का क्या कार्यक्रम में कीर्तन आज की, हाँ बताएंगे जी। सूचना भी है, इससे पहले हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से प्रभु जी ने आज जो कथा सुनाई है, इसी कथा केवल प्रभु जी सुना सकते हैं। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं सामान्य बुद्धि से बहुत हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो भावोन्माद है नित्यानंद प्रभु का, ये भावोन्माद को समझने के लिए हमको भी परम महावैष्णव का जो है